कोलकाता महिला का शरीर फ्रिज पर घर में रखा गया, पति पुत्र 2 वर्षों तक इसके साथ रहते थे। क्यों बेटा? 46 वर्षीय शुभ्राता मजुमदार। यह स्पष्ट नहीं है। वह और उनके वृद्ध पिता गोपाल मजुमदार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। कोलकाता के एक घर से एक बुजुर्ग महिला का शरीर फ्रिज से बरामद किया गया था। जिस तरह से वाणिज्यिक दुकानों में आइसक्रीम को स्टोर किया जाता था, महिला बीना मजुमदार की मृत्यु 7 अप्रैल 2015 को हुई, जब वह 84 वर्ष की थी। उसके बेटे एक चमड़े की प्रौद्योगिकी स्नातक को उसके आंतों को निकालने का संदेह है और फ्रिज में रखने से पहले शरीर को रसायनों के साथ श्वास बना देता है। संस्कार के बजाय उसका शरीर एक वाणिज्यिक फ्रिज में संरक्षित था। उसका शरीर बुधवार को जांच के लिए वापस ले लिया गया था। उनके शरीर को रखने के पीछे उनका मकसद अभी तक ज्ञात नहीं है। एक टिप बंद करने पर पुलिस ने कल रात दक्षिण पश्चिम कोलकाता के बेहला इलाके में जेम्स लांग सरानी पर मजुमदार घर पर छापा मारा और शरीर को पाया। मजुमदार घर में एक दूसरा फ्रीज भी मिला। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बेटे को कुछ समय पहले दूसरा फ्रीज मिला था, जब पहली फ्रीज जिसमें शरीर यांत्रिक संकट दे रहा था। क्यों बेटा? 46 वर्षीय शुभ्राता मजुमदार। यह स्पष्ट नहीं है। वह और उनके वृद्ध पिता गोपाल मजुमदार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस द्वारा 2 या 3 संभावित सिद्धांतों की जांच हो रही है। पुलिस के मुताबिक बेटे ने पिछले 3 सालों से अपनी मां की पेंशन वापस लेने के लिए एक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया था। उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा किया था ताकि पेंशन जारी रहे। बीना मजुमदार भारतीय खाद्य निगम या FCI में एक कर्मचारी थे और उन्होंने रुपए की मासिक पेंशन को आकर्षित किया। 50,000 उनके पति ने सेवानिवृत्ति तक FCI में भी काम किया। एक और मकसद की जांच की जा रही है। दोनों पिता और पुत्र दोनों के मानसिक संतुलन की हानि। सूत्रों का कहना है कि पिता ने अपने बेटे को आश्वस्त किया है कि वह मां को जीवन में वापस ला सकता है। पुलिस के मुताबिक बीना मजुमदार का निधन 7 अप्रैल 2015 को बालनंदा अस्पताल में 9:55 बजे गंभीर हाइपोकैलेसेमिया और संबंधित आघात से हुआ। परिवार ने अस्पताल से शरीर को निकाला था। आगे क्या हुआ स्पष्ट नहीं है। पड़ोसी ने कहा कि जब भी उन्होंने बेटे को अपनी मां के शरीर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह शांति हेवन नामक एक शख्सियत पर रखा गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बीना मजुमदार के शरीर में चीरा का निशान था। कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा। घर में कई कंटेनर भी मिले थे। उन्हें फोरेंसिक परीक्षा के लिए भेजा गया है।